So we are repeating the steps. Second stage. So फिर से temp, wind और humidity तीनों के ऊपर मैंने एक एक decision stump बनाया और ये already मैंने output लिख दिया, so एक बार देख सकते हो, मतलब video pause करके. So you can see, अगर temperature is equal to low के लिए decision stump बनाया तो एक भी गलती नहीं कर रहा, yes. यहाँ पे तीन गलती हो रही है, ठीक है. Similarly, wind is equal to y में फिर से तीन और एक के चार गलती हो रही है, और लास्ट वाले में सिर्फ एक गलती हो रही है. एंड यू कैन सी एंट्रोपी के हिसाब से भी यू कैन सी कि इस बार ह्यूमिडिटी वाला कॉलम मेरा डिसीजन स्टंप फॉर्म करेगा, ठीक है. और फिर अगला स्टेप पता ही है तुम लोगों को क्या करना है, हमें अमाउंट ऑफ से निकालना है, ठीक है. वो फॉर्मूला हाफ लॉग वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स. सो अगेन यू कैन सी कि ये वाला डिसीजन स्टंप सिर्फ एक गलती कर रहा है, वन वाई वाला. सो जहां जहां पे नो है उसमें सिर्फ ये वाला पॉइंट में वो गलती कर रहा है, दिस पॉइंट. सो अगेन व्हाट वी विल डू इज हम अल्फा फिर से निकालेंगे, दिस विल बी अल्फा टू. डोंट यू थिंक बिल्कुल सेम आएगा 0.80. सो हमारा अल्फा वन और अल्फा टू दोनों का वैल्यू अभी कितना है 0.80. द ओनली डिफरेंस इज अल्फा वन इज ट्रेंड ऑन टेम्परेचर एंड अल्फा टू इज ट्रेंड ऑन ह्यूमिडिटी, राइट. नाउ लेट्स से कि अब हम क्या करेंगे, फिर से वेट्स को लेके एडजस्ट करेंगे, इसका वेट बढ़ जाएगा, बाकी सबका वेट घट जाएगा, फिर एक नया डेटा फ्रेम फॉर्म करेंगे और वहां पे बिकॉज ये वाला चीज ज्यादा है यही वाले रोज रिपीट होने लग जाएंगे रैंडम करने की वजह से. बाय द वे डिड यू नोटिस ये वाला चीज, ये वाला कॉलम ही तो बार बार आया था बिकॉज इसका वेट पिछली बार ज्यादा था. नोटिस इस बार इसको हर किसी ने, लाइक स्पेशली दिस गाय, इसने सबको सही से क्लासिफाई किया एंड दैट वाज द होल पॉइंट, ट्रेनिंग एरर रिड्यूस करना, ठीक है. सेम काम फिर से करेंगे, लेट्स से, मतलब अभी हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते, फिर से करना पड़ेगा, बट लेट्स से कि हमारा जो थर्ड होगा अल्फा थ्री वो आता है 0.62, लेट्स से, मतलब कुछ भी आ सकता है 0.62, एंड लेट्स अज्यूम कि वो विंड के ऊपर काम करेगा. तो डोंट यू थिंक हमने अपना फाइनल मॉडल बना लिया. फाइनल मॉडल क्या है, एफ इज इक्वल टू अल्फा वन एच वन प्लस अल्फा टू एच टू प्लस अल्फा थ्री एच थ्री. अब मेरे पास अल्फा वन का वैल्यू है, अल्फा टू का वैल्यू है, अल्फा थ्री का वैल्यू है, और मेरे पास ये तीनों मॉडल्स भी है. सो इनको मैं जब इनपुट दूंगा तो मेरे को यस और नो बताएंगे, ठीक है. सो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि फाइनल आउटपुट कैसे निकलेगा.